जातियों में ये गोत्र है, जैसे तिग्गा है, तिग्गा कुड़ुक में है, तिग्गा का मतलब वानर है। हमारे यहाँ कुछ जातियों में साक्षात हनुमान गोत्र भी है और कई जगह गिद्ध गोत्र है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस दंडकारण्य में भगवान ने एक बड़ा सेना का संधान किया था उसमें ये जनजाति वर्ग के लोग हनुमान जी पे दलित नहीं है, जनजाति है। हनुमान जी पे अपना दावा करते हैं क्योंकि जनजाति में हनुमान गोत्र होता है, तो हनुमान जी जनजाति थे। हाँ थे, वो तो बता दिया मैंने। नहीं, जनजाति में जो गोत्र है वो हनुमान जी हनुमान गोत्र है, क्या कह रहे हैं मतलब आप? तिग्गा जो मैंने बताया ना, उड़ुक भाषा में तिग्गा जो है वो बानर होता है। उसी तरह से कई जातियों में हनुमान गोत्र अलग से, केवल जनजाति में, दूसरे में नहीं, इसलिए जनजाति तो प्रमाणित है। तो हनुमान, तो मतलब आपका कहना कि हनुमान जी जनजाति है? वो तो कही नहीं। राजनीति के लिए नेताओं ने इंसान को अगड़े पिछड़ों और दलितों में बांटा, हिंदू मुसलमान बताया। अब बारी भगवान की है, हनुमान जी को मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति का बता दिया तो जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने हनुमान जी पर अपना दावा ठोका है। अब बारी उन पंछियों की है जो खुले आसमान में उड़ते हैं, अब नेता इन पंछियों को कब जातियों में बांटेंगे देखते हैं। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से संतोष कुमार।